हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो सुश्रुत सूत्र स्थान है उसमें हम पढ़ रहे हैं 22वां अध्याय, वर्ण श्राव विज्ञानीय अध्याय। इसमें 3 नंबर श्लोक है, जो उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। त्वक, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि के ऊपर स्टार लगा लीजिए। कोष्ठ मर्माणि इति अष्टो व्रण वस्तुनि, यहाँ तक। व्रण वस्तु अगर आपसे पूछे, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं 8, कौन सी? त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म। संधि के ऊपर हमने स्टार क्यों लगाया आप वहीं लिख लीजिए। आचार्य चरक संधि के स्थान पर मेद मानते हैं, उन्होंने भी, आचार्य चरक ने भी व्रण वस्तु 8 ही बताई हैं। उन्होंने बस डिफरेंस क्या है, संधि के स्थान पर जो है वो मेद का वर्णन करते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। फिर विमर्श में देखिए, कोष्ठ की डेफिनेशन यहाँ पे बोली है कि स्थानानि आम अग्नि पकवाना मूत्रस्य रुधिरस्य च हृदय उंडुक फुफ्फुसो च कोष्ठ इति अभिधीयते। इनको कोष्ठ बोला चार्य सुश्रुति, सुश्रुत चिकित्सा जो स्थान उसमें आएगी। फिर 5 नंबर श्लोक में बोला गया है कि तत्र आयत, आयत चतुरस्त्रो, अस्त्र का मतलब होता है कोण वाला, चतु का मतलब 4 कोण वाला जो होता है, वृत्त मतलब गोल, त्रिपुट यानी 3 कोणों वाला, इति व्रण आकृति समय, यानी जो अगर ये 4 आकृतियां हमारी, ये होती है नॉर्मल व्रण की आकृतियां। शेष अस्तु, इसके अलावा अगर कोई और आकृति है तो उसको हम बोलते हैं विकृत आकृति, या वो दुरुपक्रम होती है, दुख साध्य होती है। अब देखिए 7 नंबर श्लोक की लास्ट लाइन देखिए, तस्य दोष उच्छेण षटत्वम विभज्य, यानी षटत्वम को आप हाईलाइट कर लीजिए और वहीं लिख लीजिए दुष्ट व्रण के भेद होते हैं 6। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं दुष्ट व्रण के भेद हैं 6। इसकी जो कौन से 6 हैं ये यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपात और आगंतुज, ये हमारे 6 प्रकार का उन्होंने दुष्ट व्रण बोला है। आप यहीं लिख लीजिए, आचार्य चरक बोलते हैं जो दुष्ट व्रण होते हैं वो हमारे होते हैं 12 प्रकार के, यानी 12 भेद बोले हैं। आचार्य सुश्रुत ने दुष्ट व्रण 6 प्रकार का और आचार्य चरक दुष्ट व्रण को 12 प्रकार का बोलते हैं। इसी तरह हमें याद क्या है कि शोथ के भी आचार्य सुश्रुत 6 भेद बोलते हैं और आचार्य चरक जो है वो 3 भेद बोलते हैं। फिर उसके बाद जो ये 8 नंबर श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब ये जो हमने व्रण वस्तु बताई है ना ऊपर, त्वक, मांस, शिरा, इनमें ही एक एक को ये लेंगे कि जैसे अगर त्वचागत अगर व्रण हो जाए तो वहां से कैसा श्राव होगा, मांसगत हो जाए तो वहां से कैसा होगा, तो वो हमें कुछ वर्ड है जो याद रखने हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि तत्र घृष्टासु छिन्नासु, यानी घृष्ट होने की वजह से या छिन्न होने की वजह से जो त्वचा है वो फट जाएगी अगर, तो कैसा श्राव होगा। लास्ट वर्ड देखिए फर्स्ट लाइन में, सलिल प्रकाशों को आप हाईलाइट कर लीजिए। सलिल मतलब पानी को बोलते हैं, जैसा जल आता है वैसा श्राव होगा। और नेक्स्ट लाइन में देखिए आगे जाके थोड़ा सा पीत अवभासश्च को हाईलाइट कर लीजिए आप। ये 2 वर्ड आपको याद रखने कि अगर त्वचागत व्रण हो, फर्स्ट लाइन में तुक्षु जहाँ पे वर्ड लिखा है उसको बॉक्स में आप बंद कर सकते हैं कि जो त्वचा है उसके बारे में बताया गया सलिल प्रकाशो और पीत अवभासता। सेकेंड लाइन में फिर मांसगत के बारे में जो बोला गया उसको हाईलाइट कर लीजिए, सर्पी प्रकाशम सांद्र श्वेत पिच्छल, यानी सर्पी के जैसा श्राव किसमें से होगा, मांसगत अगर व्रण हो जाए। सिरागत की अगर हम बात करें, सिरागत में बोला है कि एकदम अगर सिराएं भिन्न होगी तो रक्त की प्रवृत्ति होगी, तो हमें पता है श्राव कैसा होगा। 4th लाइन में देखिए थोड़ा सा आगे जाके, पिछलो अवलंबी श्यावो अवशाय प्रतिमश्च को आप हाईलाइट कर लीजिए। सिराओं से जो श्राव होगा वो कैसा होगा, अवशाय, जैसे ओस की बूंदे होती है ना उस तरीके से, तो अवशाय प्रतिमश्च जो श्राव है वो सिरागत व्रण में होगा। फिर स्नायुगत को बॉक्स में बंद करके देखिए स्नायु से कैसा होगा, स्निग्ध घन सिंघाणक प्रतिमा को हाईलाइट कर लीजिए। स्निग्ध होगा, घन और सिंघाणक और सरक्तश्च। सिंघाणक क्या होता है, आचार्य डलहन बोलते हैं सिंघाणक क्या होता है, रक्त मिश्रित घनीभूत श्लेष्मा, यानी ब्लड मिक्स जो हमारा श्लेष्मा है उसको हम बोलते हैं सिंघाणक। फिर जो अस्थिगत है हमारा 5th लाइन में, अस्थिगत को बॉक्स में बंद करके इस लाइन के लास्ट में वर्ड देखिए, शुक्ति धोत में भाति, यानी शुक्ति, शुक्ति होती है जैसे उसको आप पानी में धो दो वैसा जो श्राव है वो आएगा अस्थिगत व्रण से। फिर हमारा नेक्स्ट लाइन में संधिगत मिड्स में देखिए, संधिगत के बारे में है, पीड्य मानो न प्रवर्तते, यानी अगर आप पीड़न करते हो तो श्राव होता नहीं, बाकी आकुंचन प्रसारण आदि में से इस तरीके का श्राव होगा वो आपको याद नहीं रखना इसमें।
लास्ट लाइन है जो 8 नंबर श्लोक की, कोष्ठ गत के बारे में लिखा है उसको हाईलाइट कर लीजिए। कोष्ठ तो असृग मूत्र पुरीष पूय उदकानी स्रवंती, यानी रक्त आएगा मूत्र पुरीष पूय के जैसा जो श्राव है वो कोष्ठ से आने वाला होता है। मर्म गत के लिए भी कोई ऐसी स्पेसिफिक लाइन नहीं है। तो 8 नंबर श्लोक में हम रिपीट करते हैं, आपको क्या याद रखना है, हमारा जो त्वचा गत अगर व्रण है तो सलिल प्रकाश हो यानी जल के जैसा श्राव होगा। अगर हम बात करें मांस गत की तो मांस से सर्पी प्रकाशम, सिरा में अवशाय प्रतिमश्च, स्नायु में सिंघाणक प्रतिमश्च, अस्थि में शुक्ति धोत के जैसा, संधि में पीड्य मानो न प्रवर्तते, और कोष्ठ में से असृग मूत्र पुरीष पोय इनके जैसा श्राव होगा। नेक्स्ट आ हमारा जो है वो 9 नंबर श्लोक पे आप आ जाइए। अब त्वचागत जो श्राव है वो तो आपने बता दिया, अब त्वचागत जो 8 व्रण वस्तु हैं उनमें दोषों के अकॉर्डिंग कैसा श्राव होगा, तो बताया है यथा क्रमम परुष्य श्याव अवशाय दधि मस्तु क्षारोदक महाजावन पुलाकोदक, यानी मारुताद भवंती, वात की वजह से अगर त्वचागत व्रण हो तो परुष्य होगा। ये सीक्वेंस में बताए गए कि अगर वातज व्रण त्वचागत है तो परुष्य, वातज व्रण मांसगत है तो श्याव, सिरागत है तो अवशाय, स्नायुगत है तो दधिमस्तु, अस्थिगत है तो क्षारोदक जैसा, संधि में है तो मांसधावन जैसा, और कोष्ठ में तो पुलाकोदक। इस तरीके से सीक्वेंस में बताए हैं। तो अगर किसी को ये श्लोक पहले से याद हो या श्लोक याद कर ले तो अच्छी बात है, ये याद रह जाएगा, बट एंड तक ये याद नहीं रहते आपको, ठीक है। तो ये सीक्वेंस और ना ये इस तरीके से पूछा भी नहीं जाता, इतना जो है वो टफ क्वेश्चन नहीं बनाते, जो 8 नंबर हमारा श्लोक है इसमें से उसमें से ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। फिर ये पित्ताद के है जो ये एक बार पूछा हुआ है, पित्ताद गोमेद गोमूत्र, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। फर्स्ट वर्ड है गोमेद और फिर है गोमूत्र। गोमेद का मतलब अगर जो पित्त का व्रण अगर त्वचागत है तो गोमेद के जैसा श्राव, और अगर मांसगत है तो गोमूत्र जैसा श्राव होगा, फिर सिराओं में से भस्म शंखिन जैसा। ऐसे ही अगर कफज है तो थर्ड लाइन में नवनीत काशीष मज पिष्ट तिल नारिकेलोदक के जैसा, वराह वसा जैसा, सन्निपात में नारिकेलोदक जैसा, ऐरवारुक जैसा, कांजी प्रसाद, इस तरीके से है। 9 नंबर जो ये हमारा श्लोक है इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, इसमें से आए ना आए, लेकिन जो 10 और 11 नंबर श्लोक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। BHU 2013 में भी फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन आ गया, पकवाश्याद असाध्यस्तु पुलाकोदक सनिभ, उसमें पूछा था कि अगर जो है वो पकवाश्य से किस प्रकार का श्राव असाध्य होता है, तो पुलाकोदक के जैसा, पैसे पकवाश्य पैसे पुलाकोदक। फिर हमारा सेकेंड लाइन में शारोदक निबष्ट को हाईलाइट करके आप रक्ताश्य जो वर्ड है उसको हाईलाइट कर लीजिए, यानी असाध्य व्रण की यहाँ असाध्य श्राव की बात की गई। अगर पकवाश्य से पुलाकोदक के जैसा श्राव आ रहा है इसका मतलब वो असाध्य है, अगर रक्ताश्य से क्षारोदक के जैसा आ रहा है तो असाध्य है। और अमाश्याद इसको हाईलाइट कर लीजिए, अमाश्याद कलाय अम्बो निभश्च त्रिक संधिज, यानी या तो त्रिक संधि से या अमाश्य से अगर कलाय यानी जो मटर होता है उसके यूष के जैसा श्राव निकल रहा है तो वो असाध्य होते हैं। ये 3 कंडीशन है जो असाध्य बताई है, पकवाश्य से पुलाकोदक, रक्ताश्य से क्षारोदक जैसा, और अमाश्य और त्रिक संधि से कलाय यानी जो मटर है उसके यूष के समान अगर श्राव है तो ये असाध्य होते हैं। फिर 13 नंबर श्लोक में अतः उर्दू व्रण के जो वर्ण है यानी किस तरीके के उसके कलर होते हैं वो बताए कि भस्म कपोत अस्थि वर्ण का, परुष अरुण कृष्ण वर्ण का, तो वो मारुतवात की वजह से होगा। अगर नील पीत हरित पिंगल ये तो आप पहचान जाओगे कि पित्त या रक्त की वजह से होगा, श्वेत है स्निग्ध है पांडु है तो वो कफ की वजह से होगा। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये जो हमारा 22 नंबर चैप्टर है, इसमें से सबसे इजी क्वेश्चन अगर बनाना हो तो व्रण वस्तु 8 होते हैं, कौन कौन से हैं वो आपको पता है। फिर उसके बाद हमारा जो ये 8 नंबर श्लोक था इसमें से कि कहाँ से कौन सा श्राव आएगा, सलिल प्रकाश कहाँ से है, सर्पी के जैसा कहाँ से, अवशाय का कहाँ से है, शुक्त धोत जैसा, सिंघाणक जैसा, या मूत्र पुरीष का आना कहाँ से है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी जगह से किस प्रकार का श्राव निकले तो असाध्य, तो उसकी 3 कंडीशन पकवाश्य रक्ताश्य अमाश्य और त्रिक संधि से। तो यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में जो आपसे पूछे जा सकते हैं।